हेलो, मैं हितेश सैनी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर, TTC LRDC जोधपुर द्वारा आयोजित यूट्यूब वीडियो लेक्चर सीरीज़ में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। अप्लाइड फिजिक्स अनुप्रयुक्त भौतिकी के ग्रेविटेशनल और सैटेलाइट इस चैप्टर के दूसरे वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कशन करेंगे वेरिएशन इन जी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन या उसको प्रभावित करने वाले कारक, कि हम कह सकते हैं कि वो कैसे। तो उसमें पहला आपका होगा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, जी का ऊंचाई के साथ परिवर्तन। ठीक है, जैसे अपन ने लास्ट इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था कि आर त्रिज्या की ये रेडियस, आर त्रिज्या आपकी अर्थ की होगी, इससे एच ऊंचाई पे आपने जी का मान निकाला और इसके सरफेस के ऊपर आपने जी का मान निकाला था, वो आया था जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर डिस्टेंस के ऊपर आपने निकाला जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका इस तरह से आपने फाइंड आउट किया था, ये रिलेशन अपन ने निकाला था इन बिटवीन जी एंड कैपिटल जी, राइट? आपको सभी को याद होगा। तो अब वही है, पृथ्वी की सतह पे आपको ये पता है, अब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर चलते हैं तो इस जी के मान में क्या परिवर्तन होगा, और पृथ्वी की सतह से अंदर गहराई की ओर चलेंगे तो जी के मान में कैसा परिवर्तन होगा, इसके बारे में अपन अभी डिस्कशन करते हैं। तो पहला टॉपिक आपका है गुरुत्वीय त्वरण जी का ऊंचाई के साथ परिवर्तन क्या होगा, इस पे अपन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो वही तो टॉपिक आपका गुरुत्वीय त्वरण जी का ऊंचाई के साथ परिवर्तन, द वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एसेलरेशन जी विद द हाइट, हाइट के साथ। तो अपन मान लेते हैं कि आपके पास एक आर रेडियस की और एम द्रव्यमान है जिसकी पृथ्वी है, पृथ्वी के जो त्रिज्या है वो आर है और द्रव्यमान उसका कैपिटल एम है। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह, यहाँ पर पृथ्वी की सतह है पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान आपके पास होता है सरफेस के ऊपर जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, निकालना कहाँ पर है, पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई के ऊपर, मतलब ऊंचाई की ओर चल रहे हैं, तो यहाँ पे अपने को जी एच का मान निकालना है, वो है जी एच का मान क्या होगा, उसके बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पृथ्वी की सतह पे जी एच जी एम अपॉन आर स्क्वायर समीकरण एक मान लेते हैं। जी सबको पता है यहाँ पे क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई, और आप इसी को कह सकते हो पृथ्वी के केंद्र से आर दूरी, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे जो आर है विच इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई व पृथ्वी के अंदर से आर दूरी, कौन सी दूरी, आर स्मॉल आर, कैपिटल आर और कैपिटल एम आपको माइंड में रखना है, ये पृथ्वी के लिए। ठीक है, आर डिस्टेंस दूरी, केंद्र से डिस्टेंस है ये, केंद्र से सेंटर से डिस्टेंस आपकी होगी, पर गुरुत्वीय त्वरण माना जी एच है, क्या है वो आपने मान लिया कि वो गुरुत्वीय त्वरण जी एच है, जहाँ पे आर जो आपके पास है स्मॉल आर वो कैपिटल आर प्लस आर, या कैपिटल आर हो गई और ये स्मॉल एच हो गया, ये आपके पास होता है। तो जी एच अपन ने क्या कर लिया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर टू आर कैपिटल आर प्लस है समीकरण तीन। ठीक है, अब समीकरण तीन से ये मान इसमें रख देते हैं दो में, तो जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो जी एम इसमें से आर कॉमन ले लेते हैं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा वन प्लस एच अपॉन आर, क्या हो जाएगा, वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो वन प्लस एच अपॉन आर की घात -2 हो जाती है। इसको अपन लिख सकते हैं क्या, ये क्या है यहाँ पे, दैट इज द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे जी एस क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो इसको अपन जी एस लिख सकते हैं। तो अपन ने लिख दिया जी एस बराबर जी एस वन प्लस एच अपॉन आर की घात -2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाता है। अब लेट अस एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो एच ऊंचाई जो है वो पृथ्वी की तुलना से, पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत कम है, मतलब एच विच इज वेरी लेस देन आर। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो अपन यहाँ पे द्विपद प्रमेय इसमें से लगा सकते हैं, जो वन प्लस एक्स की घात माइनस, या आप लिखते हो वन प्लस एक्स की घात एन, इसको लिखते हैं वन प्लस का एन एक्स प्लस एन एन माइनस का वन अपॉन फैक्टर टू एक्स स्क्वायर समथिंग, अपन इसको लिखते हैं, तो
यहाँ पे अपन एक घात तक की वाली बात कर लेते हैं। वन अपॉन एक्स का मान जब एक, इस एक्स का मान जब एक से कम होता है तो अपन इसका प्रसार कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, ये मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं। तो यहाँ द्विपदपुर में और उच्च घातों को अपन नगण्य मान लेंगे, इसकी उच्च घातों को अपन नगण्य ले लेंगे। तो पहला हो जाएगा वन, और एन का मान क्या है यहाँ पे, माइनस दो, वन माइनस टू एच अपॉन आर, और इससे अगले वाले पद को अपन नेगेटेट कर देते हैं। तो जी एच आ जाएगा जी एस वन माइनस का टू एच अपॉन आर आपके पास यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक गुरुत्वीय त्वरण का जो पृथ्वी की सतह के ऊपर आपका जी एस होता है, और जैसे जैसे ऊंचाई पर चलते हैं ये एच का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इस जी एच का मान क्या होता जाता है, कम होता था। मतलब जी एस यहाँ पे ये सतह के ऊपर कांस्टेंट रहता है, ऊपर के ऊपर चलते हैं एच का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इस एच का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ही वन में से कम होता जाता है। और क्योंकि आर क्या है यहाँ पे, पृथ्वी रेडियस तो आपकी कॉन्स्टेंट है, तो जी एच के मान में क्या हो रहा है, मतलब हाइट के साथ इसका वेरिएशन क्या हो रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं समीकरण पाँच स्पष्ट है कि पृथ्वी की सतह से एच का मान जैसे जैसे बढ़ता है जी एच का मान कम होता जाता है। ठीक है, अच्छा ये कंडीशन आपकी तभी लगेगी जब आपके पास क्या है, एच का मान जो ऊंचाई जो है सतह से वो आर से बहुत कम हो। ठीक है, अदरवाइज अपन ये वाला सूत्र ही काम में लेंगे। अदरवाइज अपन कौन सा सूत्र काम में लेंगे, ये वाला सूत्र अपन इसका यहाँ पे काम में लेंगे। ये अगर कंडीशन कहीं पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आती है तो वाला ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन आती है तो ये, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला अपने को काम में लेना है। तो क्या समझे इसमें कि ऊंचाई के साथ जी के मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, अब हम गहराई के साथ बात करते हैं। तो गहराई के साथ अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में गहराई के साथ परिवर्तन, वेरिएशन इन जी विद द डेप्थ। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे पृथ्वी की सतह है जो आर रेडियस होगी, एम इसका द्रव्यमान हो गया अपन मान लिया। तो वी नो दैट एट द सरफेस ऑफ अर्थ जी एस इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस बिंदु के मान लेते हैं कि पृथ्वी की सतह से डी डेप्थ, डी गहराई पे अपन किसी बिंदु के ऊपर, ये मान लें बिंदु पी आपने यहाँ पे डिनोट किया, इसके ऊपर आपको मान निकालना है, वो जी डी लिख देते हैं, फाइंड आउट करना है कितनी गहराई पे, डी गहराई पे। दूसरा वर्ड अपन क्या कर सकते हैं, केंद्र से आर दूरी, जैसे अपन ने केंद्र से वो कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ मानी थी बाहर की ओर ऊपर की ओर ऊंचाई पर, यहाँ केंद्र से आर यहीं तक आ जाती है। ठीक है, दोनों वर्ड हो गए। तो अपन क्या कहते हैं, पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर केंद्र से आर दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण माना जी डी है। और अब यहाँ पे जो आर होगा, ये स्मॉल आर जो आपका होगा वो क्या होगा, कैपिटल आर माइनस का डी, एच नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, एच ऊंचाई के लिए लिया था, डी यहाँ पे डेप्थ के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आर माइनस का डी आपका हो जाता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब पृथ्वी का अपने वो केवल इतना ही पार्ट काम में आ रहा है, क्या आ रहा है, इतना ही पार्ट काम में आ रहा है, ये तो आउट हो गया। ठीक है, तो इतना ही पार्ट काम में आ रहा है। तो अब वो मान लिया आपने कि इस आर त्रिज्या और डी डेप्थ की आपने बात की थी, उसके लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान आपके पास जी डी है, क्या है, जी डी मान लिया। अब वो जी डी कितना होगा, वो जी डी होगा कैपिटल जी एम डेस अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एम डेस क्या है, एम डेस क्या है, एम डेस आपके पास जो आर त्रिज्या, जो स्मॉल आर त्रिज्या का जो आपका गोला बना था, स्मॉल आर त्रिज्या की जो आपकी पृथ्वी बची है उसका द्रव्यमान है। ठीक है, अब आपके माइंड में चलता होगा कि वहाँ ऐसा क्यों नहीं किया, तो वहाँ इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर आप इस आर त्रिज्या के रेडियस को लेके एक सर्किल भी बनाते हो तो आपके पास पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान काम में आता है, तो आपने पूरा द्रव्यमान यहाँ पे काम में लिया है जी एम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे केवल स्मॉल आर रेडियस की पृथ्वी का द्रव्यमान अपने को काम में आ रहा है। तो अपन लिख सकते हैं एम डेस इज इक्वल टू क्या है, आर त्रिज्या की पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है, अब अपने को पूरे पृथ्वी का द्रव्यमान पता है, पृथ्वी का घनत्व अपने को पता है कि डी है। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसका द्रव्यमान ये निकाल सकते हैं। तो एम डेस बराबर क्या लिख सकते हैं, एम डेस बराबर लिख सकते हैं कि जो आपका आर त्रिज्या पृथ्वी है या आर त्रिज्या गोला है उसका आयतन और इनटू घनत्व है। तो आर त्रिज्या की पृथ्वी का आयतन इनटू पृथ्वी का घनत्व डी। ठीक है, तो क्या लिख दें, चार बटा तीन पाई आर क्यूब इनटू एम अपॉन, ये घनत्व डी को क्या लिखेंगे, जो डी आपका पृथ्वी घनत्व डी है वो होता है एम अपॉन वी, वी यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या के लिए होगा। ठीक है, तो ये आपका चार बटा तीन पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से चार बटा तीन पाई आए, चार बटा तीन पाई कैंसिल आउट, तो एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब ये आपके पास आ जाता है।
और अब समीकरण तीन से एम डैश का मान और आर का मान, आर बराबर क्या है कैपिटल आर माइनस डी, समीकरण दो में रखते हैं, यहाँ पे अपन पुट करते हैं समीकरण दो में इसको पुट कर देते हैं, तो जी डी आपके पास क्या हो जाएगा, जी ये जी डी जो आपका है जी अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर और एम डैश किस जगह लिख दिया एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर क्यूब, यहाँ से आर स्क्वायर से आर क्यूब कट गया केवल आर बच गया, तो ये आ जाएगा जी एम अपॉन आर क्यूब टू आर, आर की जगह लिख दिया जी एम अपॉन आर क्यूब आर माइनस का डी, आर की जगह लिख दिया आर माइनस का डी, आर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर बच जाएगा और वन माइनस का डी अपॉन आर, तो ये जी एम ये क्या है ये पृथ्वी की सतह पे गुरुत्व त्वरण का मान है, जी डी बराबर जी एस वन माइनस का डी अपॉन आर, ठीक है। तो ये अपने को यहाँ पे सूत्र प्राप्त हो गया जी डी इज इक्वल टू जी एस वन माइनस का डी अपॉन आर, समीकरण चार अपने, तो यहाँ पर भी क्या है कि पृथ्वी की सतह से ये आपकी पृथ्वी है इसकी सतह से जैसे जैसे केंद्र की ओर चल रहे हैं मतलब डी का मान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, कहाँ तक जैसे जैसे नीचे की तरफ चल रहे हैं डी का मान बढ़ता जा रहा है, ठीक है पृथ्वी केंद्र के ऊपर, तो ये डी का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे जी डी का मान क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपने को जी डी निकालनी है, मान लो कि यहाँ ये निकाल लिया, अब इससे नीचे और भी चल सकते हैं अपन, तो जी डी क्या आ रहा है जी एस, जी एस आपका यहाँ पे था तो इसमें वेरिएशन कितना आया, डिफरेंस भी निकाल सकते हैं अलग से भी, तो ये आपका क्या होता जा रहा है ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है कम हो रहा है इसके रेशियो में, ठीक है इसके रेशियो में ये कम हो रहा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं कि जैसे जैसे डी का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे गुरुत्वीय त्वरण जी डी का मान कम होता जाता है। तो अब अगर बात करें पृथ्वी की केंद्र के ऊपर पृथ्वी की सतह के ऊपर, तो यहाँ से चल के अगर पार्टिकल यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डी बराबर क्या हो गया आर, अरे डी बराबर क्या हो गया आर हो गया नीचे तक पहुँचने पर, ठीक है, या आर बराबर जीरो कर दिया सेंटर के ऊपर, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, डी बराबर आर डी डी कर दिए या आर आर आप लिखते हो कैंसिल आउट हो गया, तो वन माइनस का वन क्या हो गया जीरो, तो पृथ्वी के अंदर पे आपका गुरुत्व त्वरण का मान होता है जी बराबर जीरो, जी के अंदर बराबर जीरो। तो क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी जी के मान में परिवर्तन से यह स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे चलते हैं तो जी का मान कम होता जाता है, अर्थात पृथ्वी की सतह पर जो होगा उन दो इससे मान ऊपर नीचे जाने पे कम होता जाता है, ठीक है, और पृथ्वी के केंद्र पर शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये आपका इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर था, अब तीसरे लेक्चर में अपन ग्रेविटेशनल फोर्स और वेरिएशन इन जी के जो आपने टॉपिक पढ़े हैं उसकी अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद वेरी मच।